चंपावत के लोहाघाट के रायकोट कुंवर गांव में बीते दिनों बच्चे पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने वाला गुरदार वन विभाग की पकड़ से दूर है। हालांकि वन विभाग के द्वारा पिंजरा लगाया गया है। वहीं भाजपा मंडल महामंत्री गिरीश कुंवर ने बताया, गुरदार के द्वारा कल रात एक वाहन का पीछा किया गया। गिरीश कुंवर ने DFO चंपावत RC कांडपाल से फोन वार्ता कर गुरदार को पकड़ने के लिए एक और पिंजरा लगाने तथा गुरदार को जल्द पकड़ने की मांग की, जिसका DFO कांडपाल ने तत्काल संज्ञान लेते हुए रेंजर लोहाघाट दीप जोशी को एक और पिंजरा लगाने के निर्देश दिए। वहीं रेंजर दीप जोशी ने बताया, टनकपुर से एक और पिंजरा मंगा लिया गया है, जिसे आज गुरदार प्रभावित क्षेत्र में लगा दिया गया है। उन्होंने बताया, बनकर्मी क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं तथा ट्रैक कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने लोगों से रात को घरों से अकेले बाहर न निकलने की अपील की है। वहीं गुरदार के आजाद घूमने से गांव में दहशत बनी हुई है। लोग अपने बच्चों पर कड़ी नजर रख रहे हैं तथा महिलाओं का जंगल जाना छूट चुका है। लोहाघाट चंपावत से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। अभी रायकोट कुंवर में काफी दहशत का माहौल है। इस गुलदार ने बहुत ही आतंक मचाया हुआ है। पिछले कल ही की घटना को अगर मैं जिक्र करूं तो ग्रीन हिल होटल के पास शाम के समय एक कैंटर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा था, तो उसको लगभग 10-15 मीटर पीछा करने के बाद उसने ग्रीन हिल वाले होटल को आवाज़ लगाई है। आवाज़ लगाने के बाद कि तुम लोग अंदर सुरक्षित रहो, ये गुलदार यहाँ पीछा कर रहा है और सेफ रहो, सावधान रहो करके वो आवाज़ लगाई और बाहर ना निकले करके, ऐसा करके वो उनको बता गया। काफ़ी दहशत का माहौल है। विभाग में बात कर रहे हैं तो विभाग वाले कह रहे हैं, हमने एक पिंजरा लगा रखा है और अगर चाहो तो पिंजरे की लोकेशन चेंज कर देते हैं। अब एक पिंजरे के सहारे आप पूरे गाँव में, मुझे तो लगता है कि ये एक गुलदार नहीं है बल्कि ये दो से अधिक हैं, क्योंकि एक ही गुलदार इतना क्षेत्र कवर नहीं कर सकता है। तो विभाग से यही मांग करते हैं कि वो CC कैमरे लगाएं जगह जगह पर, उनकी लोकेशन का पता करें और पिंजरों की संख्या बढ़ाएं, जिससे कि मतलब इससे छुटकारा मिल सके, क्योंकि काफ़ी खतरनाक घटना की है। बालक को बिल्कुल जान उसकी बच गई है, लेकिन बहुत तगड़ा अटैक किया था और चाहते हैं कि क्षेत्र सुरक्षित रहे और विभाग को इसके लिए शानदार पहल करनी चाहिए।